दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम नवोदय टेस्ट पेपर का रिजल्ट आपके बीच लेकर आए हैं। आपको ज्ञात होगा कि अभी हमने नवोदय का पहला टेस्ट पेपर आयोजित किया जो कि गणित के प्रश्नों पर आधारित था। उसमें हमने 20 प्रश्न शामिल किए थे। बहुत ही कठिन प्रश्न थे जिसका आप सबने बहुत ही अच्छे से जवाब दिए। आज उसका हम रिजल्ट घोषित करने वाले हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उज्ज्वल लक्ष्य, जिसमें नवोदय की बहुत अच्छे से तैयारी की जा रही है। आप चाहें तो उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा करके हमारे नवोदय क्लास में जुड़ सकते हैं। आपको करना बस इतना ही है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है। इतना करते ही आप हमारे क्लास से जुड़ जाएंगे, ठीक है, और किसी प्रकार के प्रोसेस की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। तो सबसे पहले रिजल्ट बताने से पहले हम यह जानना चाहेंगे कि कहाँ कहाँ से विद्यार्थी ने हमारे इस टेस्ट में भाग लिया था। यहाँ पर हम राज्य वाइज आंकड़ा निकाल रहे हैं, चूंकि ये पहला टेस्ट था और अभी नवोदय का फॉर्म भराया जा रहा है, इस कारण यहाँ पर संख्या थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। लेकिन जब अगला टेस्ट होगा, एक माहौल बनेगा नवोदय का, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर टेस्ट दिलाने वाले की बच्चों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है आपके माध्यम से, उसके आधार पर अभी तक 80 विद्यार्थियों ने टेस्ट पेपर दिया। 80 में से 63 जो है हमारे राज्य छत्तीसगढ़ से है और बाकी जो है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश से है और एक अदर है। अदर जिस विद्यार्थी का है, उन्होंने अपने राज्य का नाम नहीं लिखा था, इसलिए उसको अदर हम डाल दिए, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं जिला वाइज किस जिला से कितने विद्यार्थी ने भाग लिया। 80 विद्यार्थी में से देख सकते हैं बिहार के इन जिलों से इतने बच्चों ने भाग लिया। उस जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हमारे राज्य में रायपुर से 16 बच्चों ने, महासमुंद से 13, बलौदाबाजार से 5, रायगढ़ से 5, इसी प्रकार से अलग अलग जिले से कितने विद्यार्थी ने इस टेस्ट परीक्षा में भाग लिया, उसकी जानकारी यहाँ पर है, ठीक है। आप सभी इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वे जो है अगले बार ज्यादा संख्या में टेस्ट में शामिल हो सके, क्योंकि टेस्ट से एक अच्छी तैयारी होती है, एक समझ विकसित होता है कि किस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। इसके बाद झारखंड के इस जिले से, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से, ओडिशा, उसके यहाँ पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से विद्यार्थियों ने भाग लिया। अब हम रिजल्ट की घोषणा करने वाले, रिजल्ट क्या है यहाँ पर देखिए। रिजल्ट की हम संख्यात्मक जानकारी सबसे पहले आपके बीच रखते हैं। संख्यात्मक जानकारी क्या है देखिए, यहाँ पर प्राप्तांक है 20 अंक, 19 अंक, 18 अंक, 17 अंक। हमारा जो टोटल टेस्ट पेपर हुआ था वो 20 प्रश्नों पर था और प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक थे, इस प्रकार से 20 अंक का प्रश्न था। उसमें से 20 में से 20 प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 9, 19 प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 12। अब इसके लिए हमने एक सिस्टम तैयार किया है यहाँ पर, ग्रेडिंग सिस्टम। ये ग्रेडिंग जो है केवल एक सुविधा के लिए है, फिर से कह दूं, यहाँ पर जो ग्रेड हम बनाए हैं वो केवल एक सुविधा के लिए है, ताकि थोड़ा सा हम इसको अलग अलग दिखा सके। इस ग्रेड का बाहर में कोई महत्व नहीं है, ठीक है, बाहर में कोई महत्व नहीं है, केवल हमारी सुविधा के लिए है कि आपको बता दे कि आप किस स्तर पर अभी वर्तमान में है, ठीक है। इसका और कोई अर्थ नहीं है, इसका और कोई महत्व नहीं है, पहले से स्पष्ट कर दूं, लेकिन यदि हम समझे तो काफी महत्वपूर्ण भी है। देखिए यहाँ पर A+ उन विद्यार्थियों के लिए दिए हैं जो 20 में से 19 या 20 अंक प्राप्त किए। तो 20 में से 20 प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 9 है, 20 में से 19 प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 12 है। आपके लिए संदेश है, जो विद्यार्थी 19 और 20 अंक प्राप्त किए हैं, 19 या 20 अंक, उनके लिए संदेश है कि आपने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसी प्रकार से मेहनत आपको लगातार करना है, हर बार इसी प्रकार से मेहनत आपको करना है, ठीक है बच्चों, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। अब यहाँ पर देखें, जो विद्यार्थी 17 या 18 नंबर प्राप्त किए हैं, उसको ए ग्रेड दिए। ये भी बता दे कि ये जो ग्रेडेशन है केवल सुविधा के लिए है, ठीक है। आपके लिए संदेश है, जो 17 या 18 अंक प्राप्त किए हैं, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, अगले बार आपको इससे और भी ज्यादा प्रयास करना है, ठीक है, और भी ज्यादा प्रयास करना है। जो 17 वाले है और 18 वाले है उसको और अधिक अंक प्राप्त करना है। 18 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 7 है,
17 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 8 है। इसी प्रकार 15 और 16 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बी ग्रेड में रखे हैं। फिर से बता दें कि ये ग्रेडेशन केवल एक सुविधा के लिए है। ये अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए संदेश है कि आपने अच्छा प्रयास तो किया है, लेकिन इतना अंक पर्याप्त नहीं है, आपको और मेहनत करना पड़ेगा। पहले बार टेस्ट दिलाए हैं, इस आधार पर बहुत अच्छा है, लेकिन आगे आपको इससे और बेहतर प्रयास करना पड़ेगा, तब कहीं जा करके आप कंपटीशन में शामिल रह सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि एक एक अंक का यहाँ पर बहुत वैल्यू रखता है। उसके बाद देख सकते हैं 16 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 13 है, 15 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की संख्या 5 है। इस प्रकार से 20 से लेकर 15 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की जो संख्या है वो जो है 54 विद्यार्थी, टोटल 54 विद्यार्थी ने इतने अंक प्राप्त किए। उसके बाद 14 और 13 अंक प्राप्त करने वाले को सी में रखे हैं। आपके लिए संदेश है कि आपका स्तर सामान्य है, लेकिन आपको ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है, मेहनत करना है और काफ़ी मेहनत करना है, निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ेंगे। 14 नंबर 8 विद्यार्थी ने प्राप्त किया है, 13 नंबर 3 विद्यार्थी। इसके बाद 11 और 12 इसको डी ग्रेड में रखे हैं। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है और इसमें 6 विद्यार्थी हैं, 12 में 2 और 11 में 4। 10 या 10 से नीचे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को एक मैसेज है कि आपने बहुत अच्छा मेहनत जरूर किया है, लेकिन आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है, आप लगातार पढ़ाई करते रहिए, निश्चित तौर पर आप ऊपर पहुंचेंगे, ऊपरी पायदान पर पहुंचेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप निश्चित तौर पर पहुंचने वाले हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। ये 20 वाले को तो और ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि अब आपको इस स्थान पर अपने आप को बनाए रखना है, क्योंकि जो 17 नंबर पाए हैं वो भी 20 में पहुँचने का प्रयास करेंगे, 16 पाए हैं वो भी पहुँचने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से अब जो है आप सभी को लगातार मेहनत करना है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हम किसी भी विद्यार्थी का नाम यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हमें विश्वास है, कि यहाँ पर जो विद्यार्थी 5 अंक भी प्राप्त किए हैं वो लगातार मेहनत करने के बाद निश्चित तौर पर 20 अंक पर पहुँचेगा, ये हमारा पूरा विश्वास है। आपको केवल और केवल लगातार मेहनत करना है, क्योंकि ये शुरुआत था। सबसे पहले बच्चों बता दें कि बहुत से विद्यार्थी ने टेस्ट पेपर का वीडियो को तो देखा, लेकिन टेस्ट को नहीं दिलाया, शायद उनको प्रश्न कठिन लगा होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप सब जो है टेस्ट दिलाएं। टेस्ट दिलाना भी बहुत बड़ी बात था, तो आप सभी अगला टेस्ट भी अवश्य दिलाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि सभी का जो अंक है 19 या 20 के आसपास रहे। अब जिन विद्यार्थी ने अभी तक टेस्ट नहीं दिलाए हैं, वो यदि दिलाना चाहे तो स्क्रीन पर टेस्ट का वीडियो आ चुका है, उसे देखिए और उसमें जो प्रश्न पूछा गया है उसको हल कीजिए। किस प्रकार से टेस्ट दिलाएंगे उस वीडियो में बताया गया है, वीडियो को ध्यान से देखिए। और नवोदय की तैयारी के लिए आप उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके लिए केवल आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है, ठीक है। नमस्कार।